हेलो जी नमस्कार। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने कीबोर्ड पर जो अलंकार और पलटे हैं हमारे, उसे हम कैसे बजा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे मिल सके और हमारी पूरी जानकारी आप तक पहुंच सके। आप स्टेप बाय स्टेप हमारे हर कोर्स को आप ध्यान में रखते हुए उसे आप सीख सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ अलंकार बताने वाले हैं आपको, जिसको आप करने से आपकी उंगलियां बहुत तेज कीबोर्ड पर चलने लगेगी और आपके जो गाने, आप किसी किसी गाने में आप जो फंस जाते हैं बजाने में, उसको आप बहुत अच्छे से और फास्ट बजाना आप सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी बिना देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब पहला अलंकार अपना शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला अलंकार है वो हर एक स्वर की भाषा में सबसे पहला अलंकार हमारा है। तो वो अलंकार कुछ इस प्रकार है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी उसके बाद फिर उसी तरह हम फिर से लौट करके आएंगे। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको एक एक फिंगर से इसके नोट्स बताए, आपको इसको किस तरह बजाना है उंगलियां रख के। ये दो उंगलियां जो है आपकी इस दोनों की पर रहेगी, उसके बाद ये थंब नीचे रहेगा, उसके बाद ये तीन उंगली फिर ऊपर, उसके बाद ये थंब नीचे, उसके बाद ये सा ऊपर हाई नोट का। तो अब इसको मैं आपको एक बार सारी उंगलियों का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ कि मैं कैसे बजाना है। अभी आपने देखा कि मेरी उंगलियां कैसे चल रही हैं। तो आप अगर इस अलंकार को रेगुलरली डेली 5 मिनट करेंगे इस एक अलंकार को, तो आपकी भी उंगलियां, अगर आप बिगनर लेवल पर भी हैं तो आपकी उंगलियां बहुत तेज चलने लगेगी। तो चलिए अब हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं। वो भी हमारा बेसिक ही अलंकार है जो हम हर एक क्लास में सीखते आ रहे हैं। तो चलिए अब हम उसको भी देखते हैं। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा धा नी पा उसके बाद जब हम और स्पीड बढ़ाएंगे तो किस तरह से बजेगा। तो अभी आपने मेरी उंगलियों को देखा कि मेरी उंगलियां किस तरह चल रही थी। अगर आप इस अलंकार को भी 5 मिनट करेंगे तो फिर आपकी उंगलियां बहुत तेज चलेंगी। उसके बाद फिर चलिए अब तीसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा अलंकार भी उसी प्रकार है, बस इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंट यही है कि हमें एक की को और ज्यादा लेकर चलना है। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा नी धा नी धा
आपने देखा कि मैंने तीसरे अलंकार को भी कैसे बजाया स्पीड में। तो अगर आप इसको भी 5 मिनट करेंगे डेली का आप एक रूटीन बनाइए कि हमें इतनी देर अलंकार या फिर कोई भी अभ्यास करना है अपने हारमोनियम पर नहीं चलेंगे। तो चलिए अब अगला अलंकार हम देखते हैं। अगले अलंकार में बस उसी की जगह सारे गा की जगह सारे गामा होगा। सारे गामा रे गामा पा गामा पा धा मा मा पा धा नी पा धा नी सा सा रे धा पा नी धा पा मा मा। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं बजाना कैसे है। तो मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप एक फिंगर से बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम स्पीड वाइज देखते हैं। सारे गामा रे गामा पा धामा पा धनी पा धनी सा सा नी धा पा नी धा पा मा सा। आप एक काम करिए सारे अलंकार को कॉपी में नोट कर लीजिए, तब आपको जब आप बजाने बैठेंगे या प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब आपको ज्यादा आसानी रहेगी गाने में और बजाने में। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको ये अलंकार याद हो जाएंगे, तब आप अपने आप से कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने कैसे बजाया इसको भी स्पीड में। तो चलिए एक अगला अलंकार हम देखते हैं, उसके बाद फिर हमारा 5 अलंकार का पैकेज हो जाएगा। फिर आप इसको 25 मिनट तक बड़े आराम से इस अलंकार को कर सकते हैं और आपकी आवाज जो है खुल जाएगी एकदम से और उंगलियां एकदम बहुत तेज चलने लगेगी आपकी। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस अलंकार को आप रेगुलरली करिएगा और इसको एक सिंसियर वे में करिएगा। तो चलिए अब अगला अलंकार देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।